मुझे लगता था कि जब मेरे तीनों बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते, और तो इसलिए हमें लगा, मुझे लगा कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट करें कि जिससे हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकें। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड, और आज हम खड़े हैं समर्पण विद्या परमो धर्मा एक एनजीओ में जहाँ पर शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर ये चीज़ एकदम साफ कर दी गई है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ भी संभव है। यहाँ पर ये जो एनजीओ है, यहाँ पर मैं आपको ये साफ कर देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि इस एनजीओ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है और ये ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता इस ट्यूशन का। तो मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगी यहाँ की ऑनर की और बात करेंगे यहाँ के बच्चों से कि उन्हें यहाँ पर पढ़कर कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हफ्ता हो गया। मजा आता पढ़ने में? हाँ, बहुत मजा आता है। बहुत मजा। इस वक्त क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग? मैथ और साइंस। अब हम दूसरी क्लास में एंटर करते हैं। हाय, कौन सी क्लास है ये? क्लास फाइव। मतलब किस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं इस वक्त? आप सेल्टर ऑफ हाई। ओके, पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ, बिल्कुल अच्छी लगती है। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? हम 2 घंटे। 2 घंटे? कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप? मैम, हमें अभी 1 मंथ पूरा होने वाला है। 1 मंथ पूरा होने वाला? यस मैम। अच्छा, यानी जब 1 फेब से खुला था तो आप तभी से यहाँ पर हैं? मैम जब इसको खुले हुए 2 या 3 डेज हो गए, तब तब से आने लग गए थे। तब से आप आने लगे? यस मैम। ये किचन है और कहते हैं ना आपदा में अफसर, ये वही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि बिल्कुल किचन है तो क्या हुआ, लेकिन अगर पढ़ाने की उम्मीद किसी में है, कुछ कर गुजरने की उम्मीद अगर किसी में है, तो वो किसी भी हालात में उसे कर सकता है। हेलो सर। हेलो सर, कौन सी क्लास है ये? 8th क्लास है। 8th क्लास हाँ। के बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? पहले हम लोग 1 घंटा साइंस पढ़ा लेते हैं, उसके बाद 1 घंटा मैथ्स पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन साइंस पढ़ा लिया, एक दिन मैथ्स पढ़ा लिया, इससे क्या होगा कि ना ही उनको साइंस आएगी ना फिर, मतलब कोर्स अभी हमारा जो खुला था फरवरी में ही खुला था और अब अप्रैल में इनके एग्ज़ाम्स हैं, तो 1-2 महीने के अंदर पूरा कोर्स करवाना है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों क्लासेस, जो भी साइंस की हो सेपरेट क्लास हो और मैथ्स की सेपरेट क्लास हो, ताकि इनका कोर्स इनके एग्ज़ाम्स तक का कम्प्लीट हो जाए। बिल्कुल, और पढ़ाई का हर्ज भी ना हो और बच्चों की चीज़ें भी साफ साफ क्लियर होती जाए माइंड से, एकदम से सारी चीज़ों का वर्डन एक साथ ना पड़े। क्या पढ़ रहे हैं आप? साइंस। साइंस पढ़ रहे हो? रोज़ पढ़ने आते हैं आप? यस। स्कूल जाते हैं? हाँ। कैसी लगती है पढ़ाई? अच्छी। अच्छी लगती है? हाँ। बोर तो नहीं होते पढ़ाई से? नो। बिल्कुल नहीं? नो। 25 अप्रैल से आपके जो है एग्जाम्स हैं, तैयारी कैसी है एग्जाम्स की? अच्छी है। अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है? बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समर्पण विद्या परमो धर्मा की ओनर डॉक्टर प्रिया अरोरा। हेलो मैम। हेलो मैम, कितने टाइम से आप यहाँ पर ये समर्पण जो एनजीओ है ये चला रही हैं? मैम, मैं 1st फरवरी को मैंने ये स्टार्ट किया है। जी, 1st फरवरी से। तो कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि इस तरह से बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाई जाए? मैम, अगर ख्याल की बात करें तो ये सिर्फ वहाँ से आया कि मेरी खुद की 3 बेटियाँ हैं और तीनों ट्यूशन पढ़ती हैं, तो मुझे लगता था कि जब मेरे तीनों बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते, और तो इसलिए हमें लगा, मुझे लगा कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट करें कि जिससे हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकें। शिक्षा दे सकें, और वैसे भी शिक्षा पर तो सबका अधिकार है, तो वैसे सबका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये देखें ना कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम दे कर कभी वापस नहीं ले सकते, हर चीज़ को हम कह सकते हैं कि हमने ये दिया, पर हम शिक्षा के लिए कभी एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि हमने उसको पढ़ाया, और कभी कोई हमसे नज़रें नहीं चुराता है। कभी हमने किसी को कुछ दिया होगा ना और वो हमको वापस नहीं करेगा, तो हम एक दूसरे को देख के नज़र चुरा लेंगे, पर शिक्षा अगर आपको ने किसी को दिए तो वो आकर आपको हमेशा खुद से मिलने आता है। हम अपने टीचर्स से मिलते हैं तो हम जाते हैं स्पेशली उनसे मिलने के लिए कि मैम आपने हमें पहचाना। तो कितनी क्लास तक के बच्चों को आप यहाँ पर ट्यूशन देती हैं?
मैम क्योंकि अभी एग्जाम्स पास थे तो हमने खाली फर्स्ट टू एट्थ तक लिया है, बट अभी फर्स्ट अप्रैल से जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो हम फर्स्ट टू टेंथ तक करेंगे और 4 बैचेस करेंगे जिसमें हमारे पास क्लास 1 to 8 तक की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पास, कल तक हमारे पास 173 स्टूडेंट्स थे पर आज हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि अब हम इसको और मतलब 4 बैचेस करके इसको और बड़ा करें। अभी आगे की तैयारी है कि इसे और बड़ा किया जाए क्योंकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों को भी ऐड किया जाए ताकि वो भी इस ट्यूशन का फायदा पूरी तरह से उठा सके। जी मैम, बिल्कुल मैम। अच्छा तो मैम आगे आप मतलब और क्या करने वाले हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी क्या आगे की तैयारी होगी? मैम सबसे पहले तो अभी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इसमें ऐड ऑन करने जा रही हूँ वो है एक लाइब्रेरी, कि उस लाइब्रेरी में मोर देन 300 बुक्स होने वाली हैं। मेरिट के एक पब्लिशर हैं, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जिनसे मेरा एक बात हो रही है, तो वो यहाँ पर मेरे साथ मिलकर एक इन बच्चों के लिए लाइब्रेरी सेटअप करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग लाइब्रेरी हेयर ऑफ मोर देन 300 बुक्स, जिसमें प्रैक्टिस बुक्स होंगी। जैसे हमें एनसीईआरटी बुक्स का पता है कि उसमें बच्चों का स्टोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है सारा, पर उसमें वर्कशीट्स या हम बोलें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम हैं फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों के लिए, तो उसमें वो बुक्स ज़्यादा हैं। प्लस 6 to 10 तक के बच्चों के लिए मैंने ओलंपियाड्स की बुक्स ज़्यादा मंगवाई हैं, ताकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि इन बच्चों को हम ओलंपियाड्स के लिए भेजें। जो कुछ भी हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में करते हैं वो सारी चीज़ें मैं इन बच्चों से करवाना चाहती हूँ। मतलब हर चीज़, ना सिर्फ शिक्षा बल्कि हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आप इन्हें बेहतर करना चाहती हैं। जी मैम, इसीलिए हमने ये कंप्यूटर लैब भी सेटअप करी है, तो अभी ये 2 कंप्यूटर्स है प्लस हम 2 अपने टीचर्स हैं जिनके पास हमारे अपने पर्सनल लैपटॉप्स हैं, तो हम अपने लैपटॉप्स भी यहाँ पर लेकर आते हैं। हर सैटरडे को 2 से 5 यहाँ पर कंप्यूटर क्लास होती है, तो जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर के लिए बच्चे पढ़ने आते हैं। हर बच्चे को एक एक घंटा, मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर एक घंटा हर स्टूडेंट को मिलता है पढ़ने के लिए। 2 to 5 हमारे 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे 3 बैचेस चलते हैं कंप्यूटर के। कितने टीचर्स हैं आपके पास यहाँ पर इस वक्त? मैम इन ऑल वी हैव 9 टीचर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर टीचर एज वेल, 8 क्लासेज एंड 9 टीचर्स, जिसमें 2 कंप्यूटर टीचर्स हैं हमारे पास। जी तो चलिए अब आपके बच्चों से मुलाकात कर लेते हैं और प्लस इनकी क्लासेस भी देख लेते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है।